हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आपका जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमें लिस्ट नंबर फाइंड करनी है जो कि डिविजिबल हो 10 से भी, 12 से, 15 से और 18 से। ठीक है, तो देखिए लिस्ट नंबर जो कि इन सभी से डिविजिबल होगा मींस इनके एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका फैक्टर 10 भी होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए, 15 भी होना चाहिए और 18 भी होना चाहिए। तो पहले हमें इन सभी नंबर्स के एलसीएम फाइंड करने पड़ेंगे। एलसीएम ऑफ 10, 12, 15 एंड 18 क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा आपको 180। ठीक है, अब देखिए 180 के अगर फैक्टर्स हम देखें, 180 प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों हम फैक्टर्स फाइंड करें, क्योंकि हमें फाइंड करनी है लिस्ट स्क्वायर नंबर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। मींस आइदर वो नंबर आपके एलसीएम होंगे या एलसीएम के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो देखिए हमारा फैक्टर्स आएगा 2² × 3² × 5। ठीक है, देखिए 2² का तो रूट आ जाएगा आपको, 3² का आ जाएगा बट 5, तो यहाँ ये 5 का मल्टीपल हमें चाहिए। ठीक है, तो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एलसीएम को टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 180 जो कि हमारा एलसीएम है इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे 900, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, 1, 2, 5, 450 ऑरेंजेस जो है एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और ये दिया हुआ है यहाँ पे कि हर एक गर्ल को जितने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसका डबल नंबर ऑफ ऑरेंज दिया जाता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप। कैसे करेंगे, देखिए तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, और चलिए लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, और पर गर्ल ऑरेंज कितनी दी जाती है, ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच गर्ल। ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स एक्स है, तो नंबर ऑफ ऑरेंज पर गर्ल जो दिया जाता है वो ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर एक्स इंटू टू एक्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स x है और पर गर्ल जो मिल रहा है ऑरेंज 2x है, तो टोटल जब मिला देंगे तो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस के बराबर हो जाएगी, तो 1250। और ये हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1250। ठीक है, तो इससे हमें 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x एज्यूम किया तो हमारा आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम देखिए पीसीएस एग्जाम 2006 में पूछी गई थी।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 710, मीन 710 में सबसे कौन छोटी नंबर होगी जिसे हम ऐड करें तो रिजल्टिंग नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे ये, देखिए इसमें क्या की जाती है। चलिए पहले हम देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब 710 के आसपास। देखिए अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 9 की क्यूब करें तो 729 एंड 10 की क्यूब करते हैं तो 1000। और नंबर गिवन है हमारा 710, तो देखिए सबसे नियरेस्ट आपका 9 क्यूब ही है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे छोटी नंबर हमें 9 क्यूब में ही ऐड करेंगे, तो सॉरी 710 में अगर हम सबसे छोटी नंबर ऐड करेंगे तो हमें 9 क्यूब मिल जाएगी। ठीक है, देयरफॉर सपोज x हमारा नंबर है तो x प्लस 710 इक्वल टू 729, ये हमारा 9 क्यूब के बराबर है। तो x इक्वल टू 729 माइनस 710 और ये मिल गई हमें 19। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखिए काफी आसान है और SSC 2005 में पूछी गई है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, नंबर ऑफ ट्रीज जो है गार्डन में। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं तो हर एक रो में रो के बराबर ही आपको ट्री प्लांट किए गए हैं। ठीक है, सपोज एक्स नंबर ऑफ रोज है तो हर एक रो में एक्स ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं। और क्या होता है, स्टॉर्म आने के बाद 111 ट्रीज जो है उखड़ जाते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग ट्रीज बच जाते हैं सिर्फ 14,940। तो हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है। कैसे कर लेंगे, देखिए एज्यूम कर लेते हैं हम नंबर ऑफ रोज dx। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे x स्क्वायर, क्योंकि हर एक रो में अब देखिए आफ्टर अपरूटिंग 10,914 ट्रीज रिमेनिंग है, तो 10,914। बट कितना ट्री आपका अपरूट हो गया है, 111 वो ऐड कर दें हैं। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल टू 10,914 प्लस 111, ये आपको मिलेगा 11025। therefore x इक्वल टू अंडर रूट 11025। और इसकी रूट अगर फाइंड करनी है आपको, ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 11025 पेयरिंग कर लेंगे राइट साइड से। ठीक है, तो 1 से अगर डिवाइड करते हैं 1 इधर ऐड करना है तो ये हो गया 2, ये तो रिमाइंडर 0 से नेक्स्ट पेयर आएगा 10। अब देखिए इधर अगर हम 21 से भी करते हैं, 21 into 1 21 होता है तो नहीं होगा, तो 10 इधर डालेंगे। ठीक है, 10 उधर करेंगे, चलिए ये आपका 20 ऐड कीजिए, 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया, उसके बाद आपका 10 और नेक्स्ट पेयर ले लेंगे 25। ठीक है, तो 205 करेंगे इंटू 5, तो इधर 5, ठीक है 1025 आपके आ जाएंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट हो गया 105। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने x के बराबर है, देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 105 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम आपको देखिए CPO एग्जाम 2007 में पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए मैट एग्जाम 2002 में पूछी गई है, कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। इसमें क्या करना है हमें, लिस्ट नंबर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 21,600 को, तो रिजल्टिंग नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, रिजल्टिंग नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो देखिए पहले हमें जो गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो 21,600 इसे हम लिख सकते हैं 216
into 10 into 10, 10 means 2 into 5, directly prime factors वहां से ले लेंगे। अब ये देखिए 2 into 2 into 2, 8, ठीक है, into 3 into 3 into 3, ठीक है, 27 into 8, और इधर आपके हो गए 2 into 5 into 2 into 5, तो आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टू द पावर 5 into 3 टू द पावर 3 into 5 टू द पावर 2। अब देखिए ये परफेक्ट क्यूब होने के लिए देखिए 3 की पावर तो 3 है, 2 की पावर कितनी है 5 है, मीन्स अगर 6 होता तो 2 का भी परफेक्ट क्यूब निकल जाता, ठीक है, क्यूब रूट निकाल सकते थे। 5 अगर एक पावर और बढ़ा दें 5 की, ठीक है, तो एक पावर हमें 5 की चाहिए और 2 की एक पावर चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने स्क्वायर एंड क्यूब रूट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।